हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी का कई दिनों से ये डाउट आ रहा है कि सर एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि कैसे आप CSR नेट और गेट के लिए एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए कि आपके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो आज मैं इसी रिगार्डिंग इस वीडियो को लाया हूँ जिसमें आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आपको एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए और कहाँ से आपको एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है एप्टीट्यूड पढ़ते समय और कैसे आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि हम एप्टीट्यूड की बात कर ही क्यों रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एप्टीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी रैंक सुधारने में और कभी कभी आपको बचाने में भी, यानी एक एंट्रेंस सेवियर भी आप कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बार जो गेट के पेपर में सबसे इजी एप्टीट्यूड ही आया था, मतलब केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छा था पर एप्टीट्यूड इजी था। तो अगर किसी ने एप्टीट्यूड थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया होगा तो उसके इजीली 10+ मार्क्स आ गए होंगे एप्टीट्यूड में, और वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प किया होगा अच्छी रैंक लाने में और या गेट क्वालिफाई करने में। और अगर आप CSR नेट की बात करें तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि जो आपके एप्टीट्यूड है 10 तो कम से कम रिपीट हो गए थे। तो अगर, यानी आपने पुराने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है या एप्टीट्यूड आपने प्रैक्टिस किया है तो भी आप वहाँ पे 15 to 20 मार्क्स का कर सकते थे। और कहने का मतलब यही है कि एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी हो जाता है CSR नेट और गेट के प्रिपरेशन में। अब सेकेंड पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि किनको एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए और किनको नहीं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके एप्टीट्यूड में जनरली 10+ मार्क्स आ जाते हैं CSR नेट के पेपर में या गेट के पेपर में, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एप्टीट्यूड स्टार्टिंग से पढ़ने की और या इतना टाइम देने की एप्टीट्यूड में। तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके मार्क्स 10 से कम आते हैं या आप कभी 5 से ऊपर मार्क्स नहीं ला पाए एप्टीट्यूड में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि स्टार्टिंग से आप एप्टीट्यूड को लेके चले। पर हाँ, आपके अगर 10+ आ जाते हैं तो मैं ये कहूँगा आपको एप्टीट्यूड स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट डेज में रिवाइज कर लें, बस कर लें, और या थोड़े से टॉपिक देख लें तो उतना ही काफ़ी है। थर्ड पॉइंट है, आपको प्रिपरेशन करनी कहाँ से है। तो देखिए, अगर आप यूट्यूब चैनल के थ्रू जाना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप SSC CGL या गवर्नमेंट जॉब जैसे कुछ चैनल को फॉलो करें, जिसमें आपको आपके एग्जाम के गिवन टॉपिक समझा दिए जाएं या उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए जाएं। तो आप उन चैनलों को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक तो इजीली ट्रिक प्रोवाइड होती है और एक जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आपको पता चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट चैनल में जाके अपने गिवन टॉपिक को पढ़ लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। अब फोर्थ, अगर आप बुक से जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा, आप इंग्लिश को तो छोड़ सकते हैं बुक से, क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़्यादा आती नहीं, क्योंकि नेट में तो इंग्लिश आती नहीं है और गेट में आती है तो 2-3 मार्क्स की आती है और वो भी बहुत ईजी आती है, वो आप आराम से कर लेंगे। अगर आपको मैं रीजनिंग और मैथ की बात करूं तो रीजनिंग और मैथ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बुक से, और बुक में अगर आपकी मैथ की बात मैं करूं तो आप RS अग्रवाल में चले जाइए। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो अरिहंत की एक बुक आती है रेड कलर की, उसे आप पढ़ लीजिए। तो मतलब अगर आपको बुक्स के थ्रू जाना है तो आप दो बुक को ले लीजिए, एक अरिहंत की और एक RS अग्रवाल, इसी से आपका एप्टीट्यूड प्रिपेयर हो जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट है कि आपको पढ़ना क्या क्या है और आपके टॉपिक क्या क्या है। तो देखिए, जो भी आपको पढ़ना है और जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में, तो उसको आप कॉपी कर लीजिएगा किसी नोट्स पैड में, और या उन टॉपिकों को आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि आप उन्हें प्रिपेयर कर सकें और आपके मार्क्स अच्छे आ सकें CSR नेट गेट में। अब नेक्स्ट है, अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डेली 1 आवर दीजिए 45 डेज तक वीकडेज में, और अगर आप वीकेंड में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 से 3 आवर्स दीजिए और 45 डेज तक। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वीक डेज में एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करें और वीकेंड में जितना भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करें एप्टीट्यूड का, और इसे आप स्टार्टिंग के 45 डेज या 60 डेज तक कर देते हैं तो मुझे लगता है आपका पूरा एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा, और लास्ट 30 डेज में आप उसका रिविज़न कर सकते हैं जितना आपने पढ़ा है। और अगर उन बच्चों की मैं बात करूँ जो लास्ट में पढ़ेंगे, तो उनको मैं यही कहूँगा, आप शुरू के 15 डेज में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और लास्ट के 15 डेज में थोड़ा रिविज़न कर लीजिए। अब प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस मैं ये कहूँगा आप सबसे पहले तो प्रेफर करें कि CSR नेट और गेट दोनों के प्रीवियस ईयर ही करें, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो नेट की बात करें और कभी कभी गेट में भी हो जा रहे हैं। तो इसीलिए
मैं आपको कहूँगा प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से आने चाहिए, और प्रीवियस ईयर की पहले आप प्रैक्टिस करें, और या उनको आप बाद में करेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसके 10 to 20 क्वेश्चन कर लें हर टॉपिक से। मतलब ऐसा भी नहीं करें कि आप ज़्यादा क्वेश्चन करें और ज़्यादा टाइम दें एप्टीट्यूड में, पर और ना ही ऐसा करें कि आप बिल्कुल भी क्वेश्चन ना करें। तो दोनों चीज़ें आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी भी है, पर इतनी भी नहीं करनी कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो। आपको केमिस्ट्री को मेन फोकस रखना है और एप्टीट्यूड को साइड वाइज रखना है, पर छोड़ना नहीं है। आप कुछ क्वेरी है जिनका मैं आंसर देना चाहूँगा। एक तो ये कि आप पूछते हैं कि सर क्या एप्टीट्यूड रिपीट होते हैं, मतलब डिफरेंट पेपर में, यानी मतलब जो एप्टीट्यूड लाइफ साइंस में आया वो केमिस्ट्री में भी आता है, और या ऐसे ही गेट में जो दूसरे सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड आता है वो क्या हमारे सब्जेक्ट में भी आता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा हाँ जरूर एप्टीट्यूड रिपीट होते हैं, और ऐसा भी होता है कि मानो एक दिन पहले किसी और सब्जेक्ट का पेपर है तो उसमें जो एप्टीट्यूड आता है तो उसके कुछ 2-3 सवाल सेम आपके पेपर में भी आ जाते हैं, अगर वो आपका एग्ज़ाम 2-3 दिन बाद भी है या अगले दिन है। तो मतलब एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड जरूर रिपीट होते हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके एंट्रेंस का एग्ज़ाम जिस दिन से भी चालू हुआ है और उस दिन अगर आपका एग्ज़ाम नहीं है तो आप उसके एप्टीट्यूड भी जरूर देख लें जो भी उस दिन एग्ज़ाम में आए थे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में भी वो सेम क्वेश्चन आए तो उन्हें कर सकें। अब सेकंड, आप ये पूछते हैं कि सर एप्टीट्यूड करते समय आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होते। तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए आपको फॉर्मूले बिल्कुल लर्न नहीं करने हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एप्टीट्यूड के लिए फिर कुछ नया सीखने लगें और अपने दिमाग को भारी कर लें और केमिस्ट्री के लिए जगह ना छोड़ें। देखिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें एप्टीट्यूड में जिसमें आपको ज़्यादा फॉर्मूले लर्न करने पड़े या हर बार कुछ नया पढ़ना पड़े। मैं तो आपको ये कहूँगा आप कुछ ऐसी चीज़ों को सीखें जहाँ पे कॉन्सेप्ट लग सकें और जहाँ पे इजिली ट्रिक निकल सकें। ये भी है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि CSIR NET में 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको एप्टीट्यूड के पूरे 20 सॉल्व करने हैं। आपको खुद पता है आपको फिर सिर्फ 15 करने होते हैं, और मैं तो ये कहूँगा 15 की जरूरत भी नहीं है, अगर आप 8 to 10 कर लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को छोड़ सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ होते हैं, और यानी आप जियोमेट्री के क्वेश्चनों को छोड़ सकते हैं, और जियोमेट्री में आप इजिली बस स्क्वायर सर्कल तक कर सकते हैं जिनके फॉर्मूले आपको ऑलरेडी याद रहते हैं। मतलब आप इतने लंबे में ना जाए, कोन में, सिलेंडर में, जहाँ पे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले भी याद करने पड़ते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आप UPPCS GIC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके केमिस्ट्री नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं, और उन्हें आप कहाँ से परचेज करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई होप मैंने आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और अब आपको एप्टीट्यूड का भी आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपको उसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।